प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड यानी कि पबजी इंडिया में एक लंबे बैन के बाद वापस आ चुका है, वो भी एक नए नाम के साथ, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। आप में से काफ़ी सारे लोग इस गेम को पहले से खेल चुके होंगे और काफ़ी सारे लोग इस गेम को फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहे होंगे। लेकिन अगर आप भी पबजी को फिर से खेलने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें। और पबजी की वजह से ह्यूमन की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर होने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में जान लें। सो हे गाइस, आई एम प्रवीण पवार एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। टुडे वी विल टॉक अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ पबजी ऑन ह्यूमन हेल्थ। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू डाइव इनटू द एंडलेस ओशन ऑफ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। सभी गेम्स को खेलने के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इसी तरह पबजी को खेलने की वजह से भी ह्यूमन की हेल्थ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम पबजी की वजह से ह्यूमन की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर होने वाले पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। गेम्स और मूवीज़ की वजह से हम नई चीज़ों को जल्दी याद कर पाते हैं और उनको लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द पबजी प्लेयर्स को काफ़ी सारी गन्स के नाम और उनकी फंक्शनिंग के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन अगर हम उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम उनको इतने सारे एग्जाम्पल्स की वजह से याद नहीं कर पाते और उनको लंबे समय तक याद भी नहीं रख पाते। इसी के साथ मोस्ट ऑफ द पबजी प्लेयर्स को कॉम्प्लिकेटेड साइंस के टॉपिक्स जैसे कि रिकॉयल और थ्रस्ट के बारे में अच्छे से पता होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पबजी प्लेयर्स को ये नहीं पता होता कि ये सारे टॉपिक्स हम 11th और 12th की फिजिक्स में पहले से पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ पबजी प्लेयर्स मैप नेविगेशन जैसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी ईजिली कर पाते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि गेम्स और मूवीज़ की वजह से हम नए टॉपिक्स जल्दी सीख पाते हैं और उनको लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल है के पॉप सिंगिंग ग्रुप BTS के बारे में हम सबने सुना होगा, और इस ग्रुप के लीडर RM ने अपनी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज एक US वेब सीरीज फ्रेंड्स के वजह से सीखी थी और वो आज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं। How did you teach yourself English? Actually my English teacher was a sitcom Friends. Oh, you watched Friends? Yes. पबजी जैसे कॉम्प्लिकेटेड गेम्स हमारे ब्रेन के लिए एक एक्सरसाइज की तरह काम करते हैं और इनको खेलने की वजह से हमारे न्यूरल पाथवेज काफ़ी स्ट्रोंग हो जाते हैं। जैसा कि हमने काफ़ी सारे पबजी स्ट्रीमर्स में देखा है कि उनकी फिंगर्स काफ़ी जल्दी रिएक्ट कर पाती हैं। इसका रीज़न है कि काफ़ी एक्सरसाइज करने की वजह से उनके न्यूरल पाथवेज के कनेक्शन काफ़ी स्ट्रोंग हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनका रिएक्शन टाइम काफ़ी कम हो गया है। और ये चीज़ हमें रियल लाइफ में भी हेल्प करती है और हम किसी भी थ्रेट को जल्दी से आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट एक्शन ले पाते हैं। पबजी जैसे गेम्स में अपने कैरेक्टर की मूवमेंट के साथ साथ शूट करते रहना, एनिमी को ट्रैक करना, सप्लाईज को ढूंढते रहना और एनिमी के अटैक को डॉज करना, सभी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं, जो हमारी कंसंट्रेशन को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं और हमारी मल्टीटास्किंग की एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करती हैं। पबजी जैसे गेम्स में एक वॉइस चैट का ऑप्शन होता है, जिसकी वजह से हम अपने एनिमीज और टीममेट से बात कर पाते हैं। और ये ऑप्शन इंट्रोवर्ट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि वो इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प करता है और साथ साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इंट्रोवर्ट्स की सोशल लाइफ पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जब पबजी फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था तो ये अपने साथ काफ़ी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आया था, और पबजी के दोबारा इंडिया में आने से इस बार भी काफ़ी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जैसे कि यूट्यूब, मिक्सर या ट्विच जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम करना, साथ साथ चैम्पियनशिप्स में पार्ट लेना और अवार्ड्स विन करना। पबजी एक हाईली वायलेंट गेम होने के साथ साथ एक काफ़ी एडिक्टिव गेम भी है, जिसकी वजह से इसका एक पर्सन की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सम नेगेटिव इफेक्ट्स कॉज्ड बाय प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। हम सभी जानते हैं कि पबजी एक हाईली वायलेंट गेम है, और साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया है कि पबजी खेलने की वजह से ये प्लेयर्स के अंदर एग्रेसिवनेस की फीलिंग इंड्यूस करती है, और हम ऐसा प्रैक्टिकली
काफ़ी सारे केसेस में देख चुके हैं जिसमें पबजी प्लेयर्स अपनी एग्रेसिवनेस की वजह से काफ़ी सारे क्राइम्स कमिट करते हैं। जैसा कि हमने इंडिया में दिल्ली में हुए केस के बारे में पढ़ा था, जिसमें अ बॉय नेम्ड सूरज किल्ड हिज होल फैमिली बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस रिब्यूक्स बिटवीन हिम एंड हिज फैमिली ओवर हिज एडिक्शन ऑफ प्लेइंग पबजी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गेमिंग एडिक्शन को एक मेंटल डिसऑर्डर डिक्लेयर कर दिया है। जैसा कि हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, अगर किसी गेमर को काफ़ी टाइम तक कोई गेम खेलने नहीं दिया जाता और उसको आइसोलेट करके रखा जाता है, तो उसके अंदर एंग्जाइटी के सिम्टम्स जैसे कि शेकिंग ऑफ हैंड्स या शेकिंग ऑफ लेग्स जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। इसी के साथ अगर किसी प्लेयर को काफ़ी टाइम तक गेम खेलने नहीं दिया जाता तो उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं और वो उस टाइम में किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते, और ये दोनों सिम्टम्स मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ इशारा करते हैं। पबजी एक हाईली एडिक्टिव गेम है और अगर किसी पर्सन को इस गेम का एडिक्शन हो जाता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसकी सोशल लाइफ पर पड़ता है। उस पर्सन की फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ गेम्स खेलना ही हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी सोशल लाइफ ऑलमोस्ट इनएक्टिव हो जाती है। इसी के साथ अगर किसी पर्सन को गेमिंग का एडिक्शन होता है तो उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको रात को नींद आने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये स्लीपिंग डिसऑर्डर्स उन लोगों को भी हो सकते हैं जिनका मोबाइल का वॉच टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि वो मोबाइल फ़ोन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पबजी जैसे गेम्स को खेलने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। इन गेम्स का इंटरफेस इस तरह से बनाया गया होता है कि आपको मिशंस के चलते या अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के चलते अपने गेम्स में उलझा कर रखते हैं और आपको बार बार गेम्स खेलने पर मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और इसी के चलते टीनेज जो पूरी लाइफ की बिल्डिंग स्टेज होती है, उस टाइम में आप अपना बहुत सारा टाइम इन गेम्स को देते हैं, जिसकी वजह से आपका इतना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पबजी जैसे गेम्स का इफेक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। जैसे कि काफ़ी टाइम तक स्क्रीन को देखते रहने की वजह से हमारी आई साइट्स वीक हो जाती हैं। इसी के साथ फ़ोन से निकलने वाले रेज की वजह से हमें हेडेक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो आगे चलकर माइग्रेन भी बन सकते हैं। और गेम्स खेलते टाइम हमारी नेक काफ़ी टाइम तक एक अनइवन पोजिशन में रहती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स पर, नेक की मसल्स पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है और ये आगे चलकर सर्वाइकल भी कॉज कर सकता है। पबजी जैसे गेम्स में हमने देखा है कि इसके अंदर एक छोटे से टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर भी एक लिमिटेड टाइम में काफ़ी सारे इमोशंस आते हैं, और इसका इफेक्ट हमारे रियल लाइफ पर पड़ता है, जिसमें हमें अचानक मूड स्विंग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और हम अननेसेसरीली किसी छोटी बात को ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कि पबजी जैसे गेम्स भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर हम इसको सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए खेलें। और अगर आप इसको फर्स्ट टाइम खेलने जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको एडिक्ट होने का चांस ही ना दें और इसको ट्राई ही ना करें। लेकिन अगर आप इसको फाइनेंशियली यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करके इसका फाइनेंशियल यूज़ करना चाहते हैं, तभी आप इस गेम्स को खेलें, वरना आप इसको एक लिमिटेड टाइम के लिए खेल सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा और आप इसके हार्मफुल इफेक्ट से भी बच पाएंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे कुड ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस गेम। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड बी सेफ।